औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाना उन मुसलमानों का भी अपमान है जो नाचते हैं और गाते हैं। इन लंगा और मांगणियार मुसलमानों के यजमान हिंदू हैं। ये लोग हिंदुओं के जन्म मरण और परण पर गाते हैं, हिंदू देवी देवताओं के लिए गाते हैं। औरंगजेब की परिभाषा में तो ये भी काफिर हैं। निश्चय ही औरंगजेब विविधता का शत्रु था। संगीत जैसी कलाओं और दारा शिको जैसे भाई को कुफ्र मानकर मिटाने वाला व्यक्ति बेहतर विश्व के लिए आदर्श कैसे हो सकता है? औरंगजेब के मार्गदर्शन में लिखी गई फतवाए आलमगिरी पुस्तक विश्व भर में इस्लामिक कानून का आधार मानी जाती है। ये कट्टर और रूढ़िवादी मानी जाती है। इसने हनाफी इस्लाम को सब पर थोपकर इस्लाम की विविधता मिटाने का काम किया है। भारत में ये पुस्तक मुस्लिम पर्सनल लॉ का आधार है। आज भी भारत पर आक्रमण करने वाले औरंगजेब को आदर्श मानते हैं। पाकिस्तान बनाने वाले तथा अन्य इस्लामिक देशों के विद्वान भारत की भूमि पर इस्लामिक साम्राज्य बनाने के लिए औरंगजेब की प्रशंसा करते हैं। प्रगतिशील विद्वान भी औरंगजेब की प्रशंसा करते हैं, जिसने 46 लाख हिंदुओं को मारा और करोड़ों को मुसलमान बनाया। उसका विश्व के गैर मुस्लिम कैसे सम्मान करेंगे? उसने सबसे अधिक संख्या में हिंदू राजाओं को मनसबदार बनाकर अधीन किया। साधारण समझ ही बता देगी कि ये उसकी उदारता नहीं विस्तारवाद था। वह सभी शासकों की तरह उच्च पदों पर भारतीय मुसलमानों के बजाय विदेशी मुसलमानों को प्राथमिकता देता था। सभी दिल्ली सुल्तानों की तरह उसने भी भारत की संपत्ति तुर्की या मक्का मदीना भेजी। ये संपत्ति हिंदू मंदिरों या घरों से छीनी गई थी। हिंदुओं को जीने के लिए कर देना पड़ता था, जबकि मुसलमान बन जाने पर मुफ्त में भत्ता मिलता था। हिंदू व्यापारियों को सीमा शुल्क देना पड़ता था, मुस्लिम व्यापारियों को नहीं। इस्लाम अपनाने पर नई नौकरी मिलती थी, कानूनगो की नौकरी मिलती थी, पदोन्नति मिलती थी, अपराधी छूट जाते थे। मुसलमान बनाने के लिए हिंदुओं को गुलाम बनाया जाता था। औरंगजेब अपने अधीन राजाओं को मुसलमान बनाने का कोई मौका नहीं चूकता था। औरंगजेब विरोधी हिंदुओं को मृत्यु या इस्लाम, ये दो ही विकल्प देता था। गर्दन कटने के स्थान पर भी कई लोगों ने इस्लाम कबूल करके अपनी जान बचाई।